आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया, आप सभी के साथ मैं हूं कृतिका। देश में पालतू कुत्तों के हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा से सामने आया है। यहां वेस्ट की लॉ रेजिडेंशियल सोसाइटी की लिफ्ट में एक बच्चे के हाथ को पालतू कुत्ते ने नोच डाला। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना मंगलवार की है। इस घटना के बाद से सोसाइटी के लोगों में आक्रोश है। पीड़ित बच्चे के परिवार ने मामले की शिकायत रखरखाव प्रबंधन और कोतवाली बिस्रक में की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि सोसाइटी के टावर संख्या 7 फ्लैट संख्या 1320 में रहने वाले राहुल प्रियदर्शनी की पत्नी अपने बच्चे को लेकर लिफ्ट में सवार हुई। उनके साथ पालतू कुत्ते को लेकर एक व्यक्ति भी सवार हो गया। लिफ्ट में प्रवेश करते हुए कुत्ता बच्चे के हाथ पर झपट पड़ा। किसी तरीके से बच्चे को कुत्ते से छुड़ाया गया, लेकिन तब तक बच्चे के हाथ में पालतू कुत्ते ने गहरे दांत गड़ा दिए थे। घटना के बाद से बच्चा काफी डरा और सहमा हुआ है। इस घटना को लेकर सोसाइटी के लोगों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि डॉग बाइट की कई घटनाएं सोसाइटी में हो चुकी हैं। राहुल प्रियदर्शनी ने मामले की शिकायत रखरखाव प्रबंधन और कोतवाली से की है। गौरतलब है कि नोएडा में पालतू कुत्तों के लगातार बढ़ते आतंक को लेकर नई डॉग पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। पिछले दिनों शहरों में कुत्ते के काटने से 8 महीने के बच्चे की भी मौत हो गई थी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एशिया न्यूज इंडिया।